नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना फैला हुआ है, इसलिए आप अपनी तथा अपने परिवार की सेफ्टी रखें और जो कोविड के नियम हैं उनका पालन करें, यानी कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो साथियों, कम से कम घर से बाहर निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। बाकी साथियों, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मोमेंट पास बनवा कर ही निकलें और जो चालान है उससे बचें, उससे भारी भरकम जुर्माना आपको हो सकता है। अगर आपके पास मोमेंट पास नहीं है, उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं कि मोमेंट पास कैसे बनाया जाए। बाकी साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को, और ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा अहम है जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ है और रिजल्ट की बाट जो रहे हैं। बाकी क्या है मामला और केस की जो सुनवाई है वो कैसे होगी, उसी को लेकर ये वीडियो है। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहें। हम इसी वीडियो में बताएंगे कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें क्या कहा गया है कोविड के चलते, और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रिक्रूटमेंट के उम्मीदवार हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ा अहम है, और उन्हीं के लिए नहीं बल्कि जिन्होंने जो जो आवेदन किया हुआ है और उनके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वो भी वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक देखें कि केसों की जो सुनवाई है वो किस हिसाब से होगी और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ये कोर्ट केसेस चले हुए हैं भर्तियों को लेकर, उनके रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने कोविड के चलते पहले ही आगामी जो तारीखें हैं वो लगा दी हैं, यानी कि हाल फिलहाल केसों की सुनवाई नहीं हो रही है, और जिन केसों की सुनवाई हो रही है उनका रीज़न भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। बाकी जहां तक हाल फिलहाल का जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का जो केस है उसमें 20 अगस्त की जो है तारीख कोर्ट ने लगा दी है और अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। लेकिन इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले भी अपनी सुनवाई करवा सकते हैं, वही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोविड-19 के जो नोटिसेज हैं हाई कोर्ट ने वो अपलोड किए हैं, और जिन साथियों के केसेस इस दौरान लगे हुए थे उनको जो 10/5/2021 का एक ऑर्डर हाई कोर्ट ने जारी किया है उसके चलते इन सब केसेस को आगे जो है लगा दिया है। लेकिन जो ये मीटिंग हुई है इसमें कुछ जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो बैठे थे और उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स इसमें दी हैं, और इन फाइंडिंग्स के तहत आपका अगर केस इस दौरान लगा हुआ था और उसकी तारीख अगर आगे मिल गई है तो उसमें आप जो है इसकी सुनवाई के लिए अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन प्लेस करके आप अपने केस की सुनवाई करवा सकते हैं। तो ये खुशखबरी आप सभी के लिए है, इसलिए जो भी आपके अधिवक्ता हैं आप उनसे संपर्क करें और उनको कहें कि आपके जो केस की पैरवी है उसको तेज़ी से करें, और इसी के लिए वो अर्ली हियरिंग की जो एप्लीकेशन है वो प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि जो केस है आपका वो केस बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केस आपकी नौकरी निर्धारित करेगा जिसकी वेट आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, और ये उनके लिए और अहम हो जाता है जो योग्य उम्मीदवार थे लेकिन गलत नीतियों के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करें साथियों, क्योंकि नौकरी सभी के लिए बड़ी ज़रूरी है और परिवार के लिए तो काफ़ी कुछ मायने रखती है। तो साथियों, जो ये नोटिस है इसमें हम पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे कि हर पॉइंट में क्या कहा गया है ताकि सभी साथियों को एक सरल भाषा में समझ में आ सके कि इसका आखिर मतलब क्या है और हमारे केस की सुनवाई कितनी जल्दी हो सकती है और किस तरह के केसेस हैं जिनकी सुनवाई जल्दी हो सकती है। तो यही कुछ इस वीडियो में और इस नोटिस में कहा गया है। तो साथियों, पॉइंट वाइज हम शुरू करते हैं। ये नोटिस 10/5/2021 को जो है ये आदेश आया है, और इसमें जो कोविड का हवाला देकर कहा गया है कि जो केसेस हैं उनकी सुनवाई आगे टाल दी गई है, और जो इसका पहला पॉइंट है अगर उसकी बात की जाए तो
इसमें कहा गया है कि जो भी कोर्ट केसेस की सुनवाई है वो लाइब्रेरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। और अगर पॉइंट नंबर दो की बात की जाए तो इसमें ये कहा गया है कि जो एंट्री है हाई कोर्ट में वो गेट नंबर वन से खुली रहेगी, जो बाकी के गेट हैं वो कोविड के चलते बंद किए गए हैं। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर तीन की, तो जो पॉइंट नंबर तीन है उसमें कहा गया है कि जो कोर्ट है वो 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या 50% रहेगी। और इसी तरह जो पॉइंट नंबर चार है उसमें पेंट्री और जो अन्य सुविधाएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर जो फोटोस्टेट और केमिस्ट की शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी, बाकी जहां तक पेंट्री आदि की बात है वो सब दुकानें बंद रहेंगी। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर पाँच की, जो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और जो लोक अदालत हैं वो सब बंद रहेंगी। और अब जो पॉइंट नंबर छः है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपने लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो एंटिसिपेटरी बेल्स हैं उनके जो मैटर हैं या और अन्य कोई महत्वपूर्ण मैटर हैं उनकी सुनवाई हो सकती है। और उसके लिए इसमें यही कहा गया है कि आपके जो अधिवक्ता हैं उनको आपके केस की पैरवी करनी पड़ेगी और उपयोगिता के हिसाब से यानी कि मेरिट्स के अकॉर्डिंग केस को डिसाइड किया जाएगा कि ये केस कितना महत्वपूर्ण है। और आपका जो नौकरी का केस है ये वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर इसमें यही कहा जाएगा कि आपके अधिवक्ता अगर चाहेंगे तो आपके केस की सुनवाई जल्दी हो सकती है, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन प्लेस ऑन रिकॉर्ड करके आप अपने केस की सुनवाई जल्दी करवा सकते हैं और इसी के चलते आपके केस का जो फैसला है वो भी आ सकता है। तो साथियों मैं यही कहूँगा कि 20 अगस्त के बिना भी आप अपने केस की जल्दी सुनवाई करवा सकते हैं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 20 अगस्त तारीख दे दी गई है तो 20 अगस्त को ही सुनवाई होगी, उससे पहले कुछ होगा नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए आपके जो अधिवक्ता हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये केस वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए और इसलिए इस केस की जो है सुनवाई वो जल्द से जल्द करवाएं, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है वो लगवाएं और आपके केस की सुनवाई जल्दी हो जाएगी। तो साथियों यही सब इस नोटिस में यानी कि इस ऑर्डर में बताया गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जहां तक इस केस की बात है या अन्य किसी भी मामले की बात है हम इस चैनल के ऊपर सब कुछ आपको बताते हैं। और किसी भी साथी को फिर भी कोई ग्रीवेंस है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल एंड बी सेफ एट योर हाउस। टेक केयर, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।